प्रदेश में बीती 25 सितंबर को सीएम अशोक गहलोत समर्थक 81 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे से जुड़े मामले में विधानसभा सचिव की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया। खास बात यह है कि विधानसभा सचिव की तरफ से हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कहा गया है कि इन 81 विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे, इसलिए इन्हें मंजूर नहीं किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट चीफ जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में सुनवाई हुई। विधानसभा सचिव के जवाब पर अब राजेंद्र राठौड़ को जवाब देना है, जिसके चलते मामले में अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। विधानसभा स्पीकर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पैरवी की, जिसके चलते हाईकोर्ट में सुबह शुरू हुई सुनवाई को रोककर दोपहर 2:30 बजे शुरू हुई दोबारा सुनवाई। वहीं सियासी गलियारों में अब चर्चा इस बात की है कि अगर इन विधायकों के इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे तो पार्टी आलाकमान के विधायक दल की बैठक के आदेश को दरकिनार कर किसके और किस दबाव में आकर इन विधायकों ने सौंप दिए अपने इस्तीफे। विधानसभा सचिव द्वारा पेश किए गए जवाब में स्पीकर ने इस्तीफे वापसी का कारण बताते हुए लिखा है कि सभी विधायकों ने अलग अलग मेरे सामने पेश होकर स्वैच्छिक रूप से इस्तीफे वापस लिए जाने की प्रार्थना पत्र पेश किए हैं। प्रार्थना पत्रों में यह साफ उल्लेख किया है कि उनके द्वारा पहले दिए गए इस्तीफे स्वैच्छिक नहीं थे। सभी विधायकों ने राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम 173(4) के अनुसार स्वैच्छिक रूप से अपने इस्तीफे वापस लिए हैं। ये मामला 10वीं अनुसूची का नहीं, मंत्री और विधायकों के इस्तीफे का है, इसलिए इसमें 4 सप्ताह में फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होता। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।